हेलो, दिस इज मिस हेल्पलाइन। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? जी, मैं रेशम बोल रही हूँ। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? देखिए, आपके इस बार के कॉलम में जो सवाल छपा है वो मेरा है। तो आपको कैसा लग रहा है जवाब पढ़कर? आपको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम? जी देखिए, आपके जवाब में कुछ बातें ऐसी छपी हैं जो मेरे अतीत से ताल्लुक़ रखती हैं। आपको उन बातों के बारे में कैसे पता चला? जी मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप किसी रेवती को जानती हैं? जी, आप किसी रेवती को जानती हैं? जी नहीं, देखिए मेरा नाम रेशम है, इस कॉलम की राइटर। मैं किसी रेवती को नहीं जानती हूँ। पर आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप हैं कौन? हेलो हेलो हेलो, हेलो 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 गजाला, ये जो जी मैम, ये क्या कर रही हो तुम? वो सर्दी हो गई है मुझे, इतनी गर्मी में। हाँ एनीवे, ये जो आर्टिकल है ना, इसको अच्छी तरह से पढ़ लो तुम और मुझे अपनी कमेंट्स देना। जी, और हाँ, अपनी सर्दी के लिए कुछ दवाई ले लो। एक्सक्यूज मी, रेवती मैम का कैबिन आगे जाके राइट। थैंक्स मैम। अरे आदिति, तुम यहाँ? नीना को पता चलेगा तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मैम क्या करती, बात ही कुछ ऐसी थी, मैं आपको फोन पर नहीं बता सकती थी। अच्छा, आओ बैठो। ऐसी कौन सी बात थी? मैम आपको याद है, आने से पहले आपने एक चिट्ठी का जवाब लिखकर मुझे दिया था। हाँ। तो मैम हमने वो जवाब वैसा का वैसे ही एडिट किए बिना ही छाप दिया था। तो मैम थोड़ी देर पहले ही ना उस आदमी का फोन आया था जिसने वो सवाल पूछा था। अच्छा, क्या कह रहा था? मैम वो पूछ रहा था कि रेशम उसे इतनी अच्छी तरह से कैसे जानती है। और क्या कह रहा था वो? मैम वो ये भी कह रहा था कि क्या मैं रेवती नाम की किसी औरत को जानती हूँ। तुमने क्या कहा? मैम मैंने क्या कहना था, मैंने कह दिया मैं रेवती को नहीं जानती। पर मैम ये सब क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। कौन है ये आदमी? उसका नाम रणधीर है। वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दौर का एक हिस्सा है।